अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इसमें मैंने ये लौकी है मेरे पास, लौकी को मैंने बॉईल कर लिया था और इसमें एक हैंडफुल हरा धनिया डाला है मैंने चॉप करके, और लौकी को भी चॉप किया है देख लें आप, और इसके अंदर एक गार्लिक क्लोव भी डाला है मैंने, और ये मेरे पास 170 ग्राम जो दही है, मतलब पूरा एक पैकेट है ये वाला। अब इसके अंदर मैं ये पहले इसको फेंट लूँगी। एक ऑनियन मैंने चॉप की है वाइट वाली, और ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सॉल्ट। हम बना रहे हैं लौकी का रायता। प्याज, सॉल्ट और मैंने कुटी हुई मिर्चें सब इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें ये मिक्स करूँगी, और आप नमक भी चेक कर लीजिएगा ऐसे टाइम पे, इसी टाइम पे नमक देख लें कितना है इसमें, अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। गर्मियों में लौकी का रायता जो है बहुत अच्छा होता है, ठंडा भी रहता है। इसमें आप पुदीना डालना चाहें तो डाल लीजिए, मेरे बच्चों को टेस्ट नहीं अच्छा लगता तो मैंने नहीं डाला इसमें। अभी इसमें जो भंगार जाएगा, ज़ीरा है एक छोटा वाला टीस्पून, और दो तीन मेरे पास ये जो है ना कड़ी लीव है जो ड्राई है, और एक जो है ना लहसुन है, और एक छोटी सी लाल वाली मिर्च कटी हुई। आप इसमें डालना चाहें तो दही और डाल सकते हैं, पर मैंने कम रखा है ताकि लौकी पता चले इसमें लौकी है। और ये रोटी से, राइस से, प्लेन राइस से या पुलाव से, किसी से भी आप खा सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसी भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा है, गर्मी में बहुत फ़ायदा देता है। थोड़ा सा मैं गार्लिक पाउडर और डालूंगी इसमें, अच्छा लगता है गार्लिक का टेस्ट। थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल ऊपर से इसमें डाल दूंगी। देखिए ये तैयार है, इसमें मैंने सभी कुछ डाल दिया है, मिर्च वगैरह भी हैं इसमें। अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है इसका टेस्ट। मैं तो इसको ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ। देखिए इसमें लहरवानी रही, बहुत मज़ेदार, ज़रूर बनाइएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर रहे, अल्लाह आपका निगेबान, सबके लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, सबकी सेहत के लिए, मुल्क के लिए, सबके लिए दुआ करें। चले अल्लाह आपका हामी व नासिर रहे।